सचिन हाँ लाइव फ्रेम थ्रू है ना थोड़ा देर आ गए साइलेंट प्लीज भैया हमारे को अरे भैया चुप हो जाइए ना हाँ सर बोलिए आज दोपहर को अजमेर से हम लोगों ने अपनी जन संघर्ष यात्रा को शुरुआत हम लोगों ने किया और आप सब जानते हो कि एक दिन का समय था सिर्फ परसों ही मैंने घोषणा करी तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोगों को समय नहीं मिला लेकिन मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो चले अजमेर से जयपुर की तरफ लंबी यात्रा रही भीषण गर्मी थी हम सब जानते हैं 40-45 डिग्री का भाव था टेम्परेचर था और आसमान से आग बरस रही थी लेकिन जो नौजवानों में खासकर मुझे जज्बा दिखा उन मुद्दों के पक्ष में इन मुद्दों को लेकर मैंने यात्रा करी है। इस यात्रा को अंजाम देने का मकसद यही है कि हम जो इस प्रदेश के नौजवान हैं उनका विश्वास व्यवस्था में कायम रखें। पिछले कुछ समय से ऐसा अनेकों बार हुआ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर परीक्षा देते हैं अनेकों बार परीक्षाएं लीक हुई उनमें से कुछ कैंसिल हुई कुछ बच्चे ओवरएज हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा धक्का उस पूरे परिवार को लगता है जो बहुत मेहनत कर कर बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ट्यूशन के लिए उनकी कोचिंग के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और लगातार होने के बाद मैंने पहले से कहा कि इस पूरे पेपर लीक मामलों में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं कोई व्यक्ति है कोई संस्था है कोई संगठन है कोई अधिकारी नेता जो भी हो उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने कई महीने पहले कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कभी कभी क्या होता है कि कोई पद पर इतना बड़ा व्यक्ति बैठा होता है कि जाँच एजेंसी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती तो जांच खत्म होने से पहले ये क्लेम किया गया कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब कुछ दिन पहले आरपीसी के एक सिटिंग मेंबर को अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि वो सारे सबूत सामने आ गए। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उससे बहुत नौजवानों के अंदर रोष पैदा हुआ है और व्यवस्था के अंदर अगर जनता का नौजवानों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट हमारे समाज के लिए पैदा होगा। ये जो जनता के बीच जाकर जनता की चौखट पे उन लोगों से मिलना उनकी आवाज़ को सुनना उनकी आवाज़ बनना इस काम को हम लोग कर रहे हैं और मैंने चुना है अजमेर से जयपुर क्योंकि अजमेर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो आरपीएससी हो जो एक सेंटर है एजुकेशन का वो अजमेर है और जो पेपर लीक हुए कई बार हुए वो प्रकरण हम सबके सामने हैं। हम राजधानी की ओर जा रहे हैं तो करप्शन का इशू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर लीक भी जो है वो करप्शन के माध्यम से होते हैं। अगर भ्रष्टाचार होगा सिस्टम के अंदर तो उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को बहुत संकल्प शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा और दुर्भावना के साथ काम नहीं करना है। हम किसी पे प्रतिशोध की भावना से काम करें या किसी को चिन्हित करें ऐसा मैंने कभी नहीं कहा लेकिन निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करी है कभी ये कोई छोटा मोटा दलाल मुझे नाम याद नहीं उनका कोई किराए का मकान था जयपुर पे उस पर तोड़ दिया तो ठीक है लेकिन ये जो अभी कटारा पकड़ा है इनका तो मकान तो खुलता नहीं और चक्कर यह है कि जो आरपीएससी है फिलहाल के तौर पर उनके सदस्यों का जो चयन होता है उनकी जो नुमाइंदगी करता है कौन लोग उनको रिकमेंड करते हैं उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद है उस पर आसीन होने के लिए कोई बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट हो एजुकेशनिस्ट हो एकेडमिशियंस हो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो उन लोगों को अगर पद दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि वो एक निस्वार्थ भावना से पक्षपात से ऊपर उठकर अच्छे लोगों का चयन कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है चाहे जिसी को आप अपॉइंट कर दें फिर वो पकड़ा जाए तो सब हाथ खड़े कर देते हैं कौन जिम्मेदार है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पूरी व्यवस्था को इसका पूरा पुनर्विचार करना पड़ेगा पूरे ढांचे को बदलने की ज़रूरत है और इस पूरे जो पिछले समय से प्रकरण हो रहे हैं इसके पीछे कौन वो ताकतें हैं कौन वो लोग हैं किसके संरक्षण में क्योंकि करप्शन करना एक बात है करप्शन को संरक्षण जो लोग दे रहे हैं उन तक ही पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कि बहुत से नौजवान उदास थे उदास हैं आशाहीन हो गए
तो उन लोगों की बात सुनना, उनकी बात को समझना और उन मुद्दे को उठाना, ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। करप्शन के इश्यूज़ में बहुत लंबे समय से आपके पीछे उठा रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा कि जो भाजपा के शासनकाल में तमाम करप्शन के इश्यूज़ हुए अपने डोमेन में आए, जिनको हम सब ने कहा कि हम इनकी पुख्ता जाँच कराएंगे, इतना समय बीतने के बाद भी हो नहीं रहे। और अब सिर्फ 5-6 महीने बचे हमारी सरकार के कार्यकाल में, तो मैं तो अनेकों बार आवेदन कर चुका, लिखित में कह चुका, मौके कर चुका, अनशन कर चुका, आग्रह कर चुका। अब मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता का समर्थन मांग रहा हूँ उन बातों के लिए, जिन बातों को हमने खुद रखा था आज से 7-8 साल पहले जब हम विपक्ष में थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से पब्लिक, जनता, मतदाता हमारे साथ जुड़ रही है। और मैंने बार बार कहा कि यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये किसी व्यक्ति या किसी के खिलाफ यात्रा नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ यात्रा है। और कर्नाटक में भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कर्नाटक के जो भाजपा की सरकार है, जो 40% कमीशन सरकार हम बोलते थे, वो उस पर चिपका है। लोगों ने इस बात को विश्वास किया है, इसलिए कांग्रेस को हम लोग वहाँ पर जीतता हुआ देख रहे हैं। उसी प्रकार भाजपा शासन में जो करप्शन हुआ था उसकी कोई आप उसमें आप तरह तरह की कोई बातें रख दो कि भाई कोर्ट का कोई आदेश था, कमेटी बनी थी नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि जांच सच्ची, निष्पक्ष और गंभीर जांच हुई नहीं। उसके क्या कारण हैं अब वो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यात्रा जो हम लोग चल रहे हैं पैदल रोज इतना लंबा, लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं बहुत कायल हूँ जनता का कि मुझे हम सबको, मेरे अकेले को नहीं, हम सबको हिम्मत और ताकत मिल रही है। लोगों का जोश देखने के बाद और हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे और हम 15 तारीख को हम लोग जयपुर पहुँचेंगे। हमने तो उनको तब निशाना बनाया जब वो सत्ता में थी, आज वो सत्ता में नहीं है, उनको मैं निशाना क्यों बनाऊँ? और मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे दुर्भावना भी नहीं है। जब वो सत्ता में थी तब खान घोटाला हुआ था, तब हम सब ने कहा था कि वो भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया को पनपाने का काम कर रही है। यहाँ तक भी उनके उन पर आरोप लगे थे सदन में, कल गहलोत जी खुद बोले थे कि करोड़ों रुपये प्रति माह, प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह सुंदर जी को जाता है। तो हम इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को हम कर क्या रहे हैं? उसके बाद सवाल क्यों उठता है? और जांच करा लें, जांच में कुछ ना निकले तो हम सब बोल देंगे हमें गलत आरोप लगाए थे, चाहे वो अशोक जी हो चाहे मैं हूँ। बात वो नहीं है, बात ये कि हम जाँच ही ना कराएं, इस बार बड़ा होता है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, शांति धारीवाल ने आज कहा है मुख्यमंत्री के मौजूद रहते मंच पे कि मुख्यमंत्री ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, इस पर दिव्या मदेरणा ने भी सवाल उठाए, इस पे आपका क्या कहना? मुझे इस पर सचिन आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के नेताओं को समझना चाहिए, झूठी राजनीति ना करें, सच्चाई का साथ देना चाहिए, लोग खतरनाक होते हैं। क्या कह रहे हैं? युवा पीढ़ी के नेता को सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, झूठी राजनीति ना करें, झूठी राजनीति करने वाले लोग खतरनाक होते हैं, तेरी मेरी करने वाले, मारी मारी करने वाले लोग। मैंने उनका स्टेटमेंट सुना नहीं, मैं तो यात्रा कर रहा था, नेता तो मैं भी जानता हूँ कि सच्चाई क्या है क्या नहीं जनता भी जानती है। सिर्फ अखबार में छापने से या खबर फैलाने से या मन से भाषण देने से सच्चाई बदलती नहीं है, सच्चाई वही है और जनता, पब्लिक सब जानती है, मुझसे आपसे ज़्यादा जानती है। इसलिए मैंने हमेशा ही मर्यादा में रहकर विरोध किया है। आप सब जानते हैं कि अमर्यादित भाषा कौन बोलते हैं और कितनी बार बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, बावजूद उसके मैंने हमेशा सम्मान से बात की है, चाहे प्रतिनिधि हों, चाहे प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्ति हों, किसी भी दल के हों, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हमेशा मैंने मान सम्मान के साथ अगर विरोध भी किया है तो बड़ी सब्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि जो मुद्दे उठा रहे हैं आप उन्हीं पर आरोप जड़ दो और उन्हीं पर टारगेट करो, बेहतर तो ये होगा कि हमने जो कहा है उस पर कर दिखाएं। सचिन जी ने पहले कहा था, सचिन जी टुडे मॉर्निंग यू टोल्ड अपने रेजिडेंस में, उसमें आपकी आवाज में एक सेंस ऑफ हर्ट फील किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से गहलोत साहब ने 10 करोड़ की बात कही, कहा कि जो पैसे लेकर आए थे वो अमित शाह को वापस कर दे, तो देर वॉज अ सेंस ऑफ हर्ट इन योर वॉइस, अ सेंस दैट मेड पीपल फील दैट यू थॉट दैट इनजस्टिस वॉज। सर माई क्वेश्चन टू यू इज दैट 11 तारीख को आपने पिछले महीने अनशन किया, 11 अप्रैल को अनशन किया, 11 मई को आपने पदयात्रा शुरू की और ऐसी अटकलें लग रही हैं कि 11 जून को आप एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, हो सकता है कांग्रेस छोड़ सकते हैं,
क्या आप इन अटकलों पे विराम लगा सकते हैं सर? आपका सवाल क्या है? क्या आप इन अटकलों पे विराम लगा सकते हैं? आप सबको अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जोहर आपके सामने हो रहा है और मैं जो भी कहता करता हूँ सब कुछ सामने रख के करता हूँ। मैं लुका छुपी का गेम नहीं खेलता हूँ। मैं जो बोला है आपके सामने बोला है, मेरा डबल मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बात को बार बार रखा, लिखित में रखा। मेरी मांग सैद्धांतिक है, व्यक्तिगत नहीं है। और पद की आशा और बहुत ज़्यादा आकांक्षा कम से कम मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। भगवान ने बहुत कुछ अब तक दिया है, देखने सीखने को। बड़े पदों पर हम लोग रह चुके हैं और हमारी पॉलिटिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। कोई मेरा घोर विरोधी भी हो तो उनके नहीं खा सकता हमारी निष्ठा पर, ईमानदारी पर और हमारे काम करने के तरीके पर। लेकिन जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो तो हमें उठाने ही हैं। लोकतंत्र में, लोकशाही में अगर जनप्रतिनिधि है तो जनता की बात तो सुननी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में नौजवानों के अंदर जो भावनाएँ हैं, और ये किसी जाति या प्रांत या भाषा या समुदाय की बात नहीं है, ये नौजवान हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, इनके संरक्षण के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, इनको अपने हाल पे छोड़ देंगे तो मायूसी जो हाल आज है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में बहुत नौजवानों से मिला हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि सत्ता पार्टी विपक्ष आना जाना चलता रहेगा, हर 5 साल में चुनाव आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नौजवानों के लिए संघर्ष करने में ना मैंने पहले कभी कसर छोड़ी थी, ना आगे कभी कसर छोड़ूंगा। बाकी चुनाव हार जीत सत्ता विपक्ष ये राजनीति आती है। सचिन जी, आप 40 डिग्री में सड़क पर चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे में। कांग्रेस के एक नेता है पवन खेड़ा, वो कहते हैं ये जोक है, ये मजाक है। दूसरी चीज, आपने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसा कहा गया, कांग्रेस के नेताओं ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस यात्रा के लिए मना किया, लेकिन आपका जवाब था कि हर बार मुझे ही क्यों कहा जाता है, क्या ये बात सही है? आपको सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। मैं आपसे पुष्टि करना चाहता हूँ। मैंने जो इश्यूज है, मैं आपसे पहले से जानते हैं कि ये जो लिखित मैंने बातें रखी थी, ये मैं उस समय के जो हमारे प्रभारी थे उनको भी सारी बातें थी, जिसको पता था मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैंने अनशन जो किया वो वसुंधरा जी के करप्शन के खिलाफ किया है। मुझे समझ नहीं आता ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। पार्टी का अनुशासन को लांघा गया था 25 सितंबर को, जब सोनिया गांधी जी के एक्सप्रेस आदेश थे कि दोनों प्रभारी आ रहे हैं, मीटिंग कॉल करी गई। हमारे विधायक दल के नेता ने मीटिंग कॉल करी अपने घर पर, ऑफिशियल मीटिंग। मीटिंग नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? इस्तीफे दिए गए, 20-30 साल को भी इस्तीफे दिए थे और स्पीकर साहब ने कहा कोर्ट में कि वो इस्तीफे रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि वो इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। किसकी मर्जी से दिए गए, क्या दबाव था? जहाँ तक बात डिसिप्लिन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर है ना। अब जो हमारे साथी विधायक उस समय इस्तीफा दिए स्पीकर को, क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी? हम जब दिल्ली गए थे बात रखने के लिए, हम में से किस साथी ने इस्तीफा दिया? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी सोनिया गांधी जी के खिलाफ? 25 सितंबर को जो हुआ वो सबके सामने है, उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये कहना कि अनुशासन और पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ एक पे लागू होता है दूसरे पे नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्टी ने जो भी निर्णय अब तक लिया उसका सबका मैंने सम्मान किया है। जब पार्टी ने लगा कि मुझे पद पर नहीं रहना है अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के, तो हमने इसको स्वीकार किया। हमारा दिल्ली में स्वर्गीय अहमद पटेल जी बाकी नेताओं से चर्चा होने के बाद एक रूपरेखा तैयार हुई थी, कमेटी बनी थी और ये कमेटी AICC ने बनाई थी, किसी छोटे मोटे नेता ने बनाई थी। कमेटी का स्क्रिप्ट तैयार हुआ, हमारा रोड मैप तैयार हुआ, उसके अकॉर्डिंग सबने काम किया, हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को परास्त किया, उपचुनाव में काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, हर जगह कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि हमने पार्टी लाइन से एक इंच भी दाएं बाएं करने का काम किया। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो तो इतिहास में पहली बार हुआ है, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो नुमाइंदे जा रहे हैं उनकी अवमानना हो, उनको बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए और मीटिंग ना हो और उनको खालिया लौटा दिया गया। फिर नोटिस इशू हुए, तो नोटिस का भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ 2-5 लोगों पर नहीं है, पूरी पार्टी पर लागू होता है और कोई किसी भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे कोई किसी पद पर हो या ना हो, पार्टी सबकी बराबर है। मुझे लगता है कि इस बात का भी संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। पवन खेड़ा, अब ऐसा है नौजवानों के अगर पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि उस लोगों ने अपनी जान तक ले ली है, जो परेशान है, इधर तक भटक रहे हैं और नाउम्मीद होते जा रहे हैं, उनके जीवन से अगर खिलवाड़ हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर खिलवाड़ हो रहा है और किसी को लगता है कि वो गंभीर बात नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य।
पायलट की मांग की थी 2020 में जब दिल्ली गए थे, क्या अभी भी वो मांग आपकी कायम है? अरे भाई उस मांग के बाद तो कमेटी बन गई है, रोड मैप तैयार हुआ था, उस पर सबने काम भी किया। अब 2023 के चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगा कि जब हम जनता में जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे। जो वादे हमने किए, जो हमने कहा हम जांच कराएंगे, बड़े बड़े स्कैंडल हुए, हजारों करोड़ के स्कैंडल हुए और ये किसी की कल्पना नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में अखबार में छपे। हम लोग सीबीआई की मांग करने दिल्ली गए, सीएजी गए, सीबीसी गए, लेकिन मांग रखी, उस पर एंड में कार्रवाई की। बहुत ऐसे प्रकरण है, मैं फिर कह रहा हूँ, बजरी का जो इशू है, हर मोहल्ले में जाके हम सब लोगों ने आरोप लगाया कि बजरी में यहाँ माफिया पनपा दिया है, इसको अब कुछ करें। आज क्या हाल है, हम क्या जांच हुई कि नहीं है, समझ आ रही है? In the morning that you are putting in public domain that you send letters to the High Command and also Ashok Gehlot regarding the corruption issues that were in the state of Rajasthan. Has any response came from the High Command or Ashok Gehlot on these letters? And I had written two letters in the last year. If some response or acknowledgement had come to me or some actions had been taken, what was the need for me to post it on the Anshan? If they were followed upon, then there was no requirement for me to sit on an Anshan for this same issue. And I think, if I don't want to keep repeating this, इसका तो अब धौलपुर के भाषण के बाद सब खुलासा हो चुका है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण थे, हम सब जानते हैं, उसको रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम सब चाहते हैं कि जो हमने वादा किया था। आपने खुलेआम ये मान लिया है कि एक बार आपने कोशिश की थी कि चेहरा बदलना चाहिए सीएम का, लेकिन एक बार फिर इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि योजनाओं के दम पर सीएम गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, चूंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या अशोक गहलोत को सीएम प्लेस बनाया जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे उनके नेतृत्व में? भैया ये काल्पनिक सवाल है और इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है। पिछले 25 सालों में जब तक हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद हम जब जनता में गए हैं, और आप जानते हैं जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो मुख्यमंत्री चेहरा होता है, जब भाजपा सरकार में थी तो चेहरा वसुंधरा जी या परिणामी जी थी, वसुंधरा जी थी, और जब विपक्ष में होते हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही मुख्य तौर पर चुनाव को लीड करता है। पिछले 25 सालों में जब जब सरकार कांग्रेस की रही है, चुनाव हुए हम बुरी तरह हारे हैं, ये आंकड़े इतिहास में घटे हुए हैं, ये तो मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम सभी चाहते हैं, चाहते थे भी कि इसमें बदलाव हो, उसके लिए हमें क्या अलग हम कर सकते हैं, सारे सुझाव मैंने दिए भी हैं दिल्ली के अंदर, तो कमेटी को हम सबने बात करके कुछ सुझाव रखे थे, तो कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वो तो अब समय बताएगा आगे क्या होगा। कर्नाटक में क्या आपकी इस यात्रा को लेकर आला कमान से बातचीत की? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भेद करीब माने जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि आज बड़े पोस्टर से वो दोनों नदारद थे, खड़गे जी भी नहीं थे, इज देयर इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस? और देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड द हाई कमांड सर? आई थिंक आप जानते हैं कुछ महीने पहले मैंने किसान सभाएं करी थी पूरे प्रदेश में 5-6, और उस समय मैंने केंद्र सरकार से मांग रखी थी कि जो आपने एमएसपी पे हमको आश्वासन दिया था उस पर आप कानून बनाएं, जो फसल की खरीद होती है उस पर कानून बनना चाहिए, ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया था। अब वो 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन अभी तक एमएसपी पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। उसको लेकर मैंने राजस्थान के अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन किए थे, और उस समय हम सब ने एज अ पार्टी वर्कर हम लोगों ने किया था, उसमें भी ये कह दिया गया था कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम पार्टी का काम करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, तो हम सब अपना काम कर ही रहे हैं, और जो मैंने मुद्दे उठाए मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्व है। कर्नाटक कर्नाटक में जो अभी रुझान आए हैं कांग्रेस के, तो ये माना जा रहा सरकार बन रही है कांग्रेस की, लेकिन राजस्थान में अगर यही हालात रहे, आला कमान ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा, क्या क्या सोचते हैं आप, क्या होगा आने वाले टाइम पे? यही चाहता हूँ कि जिस पार्टी के हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे स्वर्गीय पिताजी, हम 40 साल से राजस्थान में, बदकिस्मती से हम लोग कभी रिपीट नहीं कर पाते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे को दोबारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए जो भी मुझे कहना या सुनाना था या करना था मैंने अपने हिंदी में सबको बता रखा है, अब समय में देखते आगे क्या होगा। सचिव राम सिंह कस्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सचिन पायलट मोदी की भाषा बोल रहे हैं, मिली बीजेपी के टूल बन रहे हैं। जब ऐसा है, मैंने अभी भाषण दिया था आपके चैनल, मैंने कहा मेरे पे तो आरोप लग रहे हैं, चलो कोई बात, इससे भी और निचले स्तर के आरोप लग सकते हैं मुझ पर, मेरे करीबियों पर, मेरे साथ जो काम करते हैं, जो मेरा कुछ हद तक समर्थन भी करते हैं, उन सबको टारगेट करा जाएगा शायद, क्योंकि मैं सड़कों पर अपनी बात को रख रहा हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, जनता भी जानती है, और कौन क्या है, किसकी क्या कार्यशैली रही है, किसका क्या इतिहास है, किसकी कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी निष्ठा है, ये सभी जानती है, और कमिटमेंट क्या है,
मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए केरल से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर प्रचार किया, और जब जहाँ सबसे कठिन चुनौती होती है, चाहे वो बिहार है, यूपी है, बंगाल है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का सदन कमज़ोर है, वहाँ जाकर भी हमने दिन दिन रात रात वहाँ पर खून पसीना बहाए कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया। परिणाम आए ना आए लेकिन मैंने कभी छोड़े नहीं, और मैंने एक दिन कहा भी था मैं कल विधानसभा के अंदर जब कुछ इशू आप लोगों ने उठाया था कि मेरी सीट कहाँ कर दी है, तो मैंने कहा जब विरोधियों से भाजपा से मुकाबला करना पड़ता है तो सबसे बहादुर योद्धा को सर पर भेजते हैं, तो सर पर बैठा था, आज ही बैठा हुआ हूँ, डट के बैठा।